वेलकम बैक स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम एम बी में चैप्टर सिक्स की स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने यहाँ तक स्टडी कर ली थी मतलब ये पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो पाया था इसलिए हम यहाँ से इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग से दोबारा से स्टार्ट करेंगे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ही हैड फॉरवर्टन दैट द नेक्स्ट डे वॉज द वीकली मार्केट डे भाग्य से और दुर्भाग्यवश वह भूल गया था कि अगला दिन वीकली मार्केट का दिन है बल्लू शाह कुड नॉट मिस गोइंग टू द मार्केट बल्लू शाह मार्केट जाना मिस नहीं कर सकता था बिकॉज ही हैड टू मेक अप फॉर द लॉस ही वुड सफ़र इफ ही फैड वन ब्राह्मण क्योंकि वह एक ब्राह्मण को खिलाकर पहले ही एक खर्चे से गुजर रहा था सो ही लेफ्ट आफ्टर गिविंग हिज वाइफ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फीडिंग द ब्राह्मण इसलिए वह अपनी वाइफ को uh, ब्राह्मण को खिलाने की जिम्मेदारी देने के बाद वह चला गया जानकी दास हैपन टू तो सी वल्लू शाह रसिंग ऑफ टू द मार्केट जानकी दास ने बल्लु शाह को मार्केट के लिए जाते हुए देख लिया था ही हरी टू बल्लू शाह हाउस वह जल्दी से बल्लू शाह के घर की ओर भागा आई थॉट यू माइट नीड सम एडवाइस ऑन द स्ट्रिक्ट प्रोसीड्यूर फॉर दिस काइंड ऑफ वो जानकी दास टोल्ड श्यामली जानकी दास ने श्यामली से कहा कि मैंने सोचा कि तुम्हें इस, इस, प्रकार, की, इस प्रकार की कसम को इस प्रकार की शपथ को पूरा करने के लिए कुछ एडवाइस की आवश्यकता होगी स्पेशली सिंस यू हैव नेवर डन दिस काइंड ऑफ थिंग बिफोर खास करके जब जब तुमने इस प्रकार का कोई भी कार्य पहले नहीं किया है सो आई ड्रॉप्ड इन ऑन माई वे टू द टेम्पल ऑफ पूजा इसलिए मैं र, रास्ते में से गुजर रहा था अपने मंदिर के लिए पूजा के लिए श्यामली वॉज मोर देन हैप्पी टू गेट दिस अनएक्सेप्टेड एडवाइस श्यामली इस अनसेप्टेड एडवाइस को सुन पाकर बहुत ज़्यादा खुश थी आई वुड हैव फॉलोड वट एवर रूल्स एंड राइट्स आई नो बट आई विल बी वेरी प्लीज टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस मैं आपके सभी बात को फॉलो करूंगी चाहे वह जो भी रीति रिवाज हो मैं जानती हूँ बी वेरी प्लीज टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शन मैं आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर कर बहुत ज्यादा खुश हूँ डू रिमेंबर वन थिंग जानकी दास सैड एक बात याद रखना जानकी दास ने कहा थ्रो द बो इज टू फीड ओनली वन मैन चाहे जो प्रतिज्ञा है वो केवल एक आदमी को खिलाने की हो यू हैव टू प्रिपेयर एनफ फूड फॉर टेन और मोर पीपल आपको काफी मात्रा में खाना बनाना है दस या ज्यादा लोगों के लिए आई होप यू नो विच डिस इज Have to be prepared. मैं मुझे आशा है कि आप जानती होंगी कि क्या dishes आपको बनानी है। When Shyamli told him the names of the dishes she was preparing, he said, "These are fine." जब श्यामली ने उसे जो डिशेस जो वो प्रिपेयर कर रही थी जो तैयार कर रही थी उनके नाम बताए तो उसने कहा यह अच्छे हैं बट इफ़ वुड ओनली वी बेनिफिशियल टू एड थ्री मोर स्वीट्स इन ऑर्डर टू प्लीज लॉर्ड गणपति लेकिन भगवान गणेश को खुश करने के लिए आ, कुछ तीन मिठाइयाँ और रखना अच्छा होगा वी हैव टू प्लीज ऑल द गॉड्स आफ्टर दैट जानकी दस लेफ्ट हमें सभी भगवान को खुश करना है यह कहकर जानकी दास चला गया वैन ही केम बैक फॉर लंच श्यामली हैड एवरी थिंग रेडी यू हैव ऑफर्ड द फूड करेक्टली जानकी दास सेड जब वह लंच के लिए वापस आया श्यामली ने सब कुछ तैयार कर रखा था जानकी दास ने कहा तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से खाना पेश किया है बट श्योरली समथिंग इज मिसिंग लेकिन अवश्य कुछ मिसिंग है दैट देन ही एक्सक्लेम्ड यस वेयर आर द टू गोल्ड गोल्ड मोहल्स विच आर पार्ट ऑफ ऑफरिंग तब उसने एक्सक्लेम exc, किया उसने कहा हाँ दो सोने की मोहर कहाँ है जो इस जो दान का एक भाग है श्यामली कुड़ नॉट टर्न एन ऑस्पिशियस मूमेंट इन टू एन आर्गमेंट श्यामली इस पवित्र समय को वो एक बहस में नहीं बदलना चाहती थी हर हस्बैंड हैड नॉट मेंशन एनी गोल्ड मोहर्स उसके हस्बैंड ने कोई भी गोल्ड मोहर के बारे में उसे नहीं बताया था बट शी गोट टू मोहर्स एंड सेट देम डाउन विद द फूड लेकिन वह दो मोहर ले आई और उसने खाने के पास उसे रख दी जानकी दास सेट डाउन टू ईट एंड कंट्ररी टू हिज री रेपिटेशन एट क्वाइट अलॉट जानकी दास खाने के लिए बैठ गया और उसने अपनी रेपटेशन के विरुद्ध बहुत ज्यादा खाया देन ही पैक्ड द रेस्ट ऑफ द फूड पिक्ड अप एंड गोल्ड मोहर्स अप द गोल्ड मोहर्स एंड सैड गॉड विल बी प्लीज विद योर एफर्ट्स एंड विल श्योरली ब्लेस बल्लू शाह एंड यू तब Uh, उसने काफ़ी सारा खाना जो था उसे पैक करा लिया और गोल्ड मोहर को उठाया और खाने को लिया और कहा कि भगवान तुमसे और तुम्हारे हस्बैंड से अवश्य ही खुश होंगे uh, और तुम्हारी इस इफ़ॉल्ट से भगवान खुश होंगे देयर इज़ ओनली वन स्मॉल थिंग लेफ्ट नाउ एंड दैट इज द दक्षिणा यहां केवल एक चीज बाकी रह गई है अब वो है दक्षिणा श्यामली वॉज एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स श्यामली अपनी कई हुई बात को खोने पर थी श्यामली सॉरी जानकी दास सोल्ड एनोस एट हर हैसीटेशन जानकी दास ने अपनी हैसिटेशन पर और ज़्यादा झुंझलाहट दिखाई डोंट यू केयर अबाउट योर हजब वेलफेयर क्या तुम्हें अपने पति की कुशलता के बारे में कोई मतलब नहीं है ही आस्क्ड, उसने पूछा वैन यू फीड अ ब्राह्मण अ दक्षिणा ऑफ टू गोल्ड मोहर्स इज एन एब्सल्यूट मस्ट जब आप एक ब्राह्मण को खिलाते हो तो दो गोल्ड मोहर्स की दक्षिणा बहुत ज्यादा जरूरी होती है श्यामली न्यू दैट हर हस्बैंड वुड नॉट थिंक दैट लॉसिंग फॉर गोल्ड मोहर्स कुड बी कॉल्ड हिज वेलफेयर श्यामली जानती थी कि उसके हस्बैंड ने यह नहीं सोचा होगा कि दो गोल्ड मोहर्स को खोकर उसकी जो कुशलता है वो आएगी बट इफ इट वर एन इसेंटियल कस्टम शी वुड हैव टू डू इट लेकिन यह एक बहुत ही आवश्यक कस्टम था इसलिए उसे करना होगा सो शी गेव द ब्राह्मण टू मोर गोल्ड मोहर इसलिए उसने ब्राह्मण को दो और सोने की मोहर दे दी जानकी दास वेंट होम सेटिस्फाइड एंड कॉल्ड हिज वाइफ जानकी दास बहुत ही संतुष्ट होकर अपने घर गया और अपनी वाइफ को बुलाया ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही एक्सपेक्टेड अ वेरी एंग्री बल्लू शाह एट देयर हाउस सून उसने अपनी वाइफ से कहा कि वह एक बहुत ही क्रोधित बल्लू शाह को अपने घर पर जल्द ही पाएगी एंड इंस्ट्रक्टेड हर वॉट टू डू एंड से और उसे शिक्षित किया कि क्या करना है और क्या कहना है देन ही ले डाउन एंड स्लेप्ड और वह नीचे लेट गया और सो गया व्हेन बल्लू शाह रिटर्न हिज वाइफ रिलेटेड द डेज हैपनिंग टू हिम जब बल्लू शहर वापस आया उसकी वाइफ ने पूरे दिन में जो भी कुछ हुआ उसको उसके बारे में बताया ऑल दैट फूड एंड फोर गोल्ड मोहर बल्लू शाह वुड विसाइड हिमसेल्फ विद रेज सभी खाने के बारे में और चार सोने की मोहर के बारे में उसने सब कुछ बताया और शाह उसके सामने बहुत ज्यादा गुस्से में था He picked up a stick and ran all the way to janki Das' house. वह उसने एक लकड़ी की मतलब एक डंडी उठाई और वह जानकी दास के घर की ओर भाग भागा चला। When sorry the Brahman's wife saw him from the window. ब्राह्मण की वाइफ उसे खिड़की से देख रही थी। Oh दैट विग्ड एंड कनिंग वल्लू व यूमाइजर शी वेगन टू वेल वीटिंग हर चेस्ट इन डेस्परेशन ओ वह दुष्ट पापी बल्लू वो कंजूस और वह चिल्लाने लगी रोने लगी और अपनी छाती को पीटने लगी यू हैव पॉइजन माई हजबेंड तुमने मेरे हस्वेंट को जहर दिया है इफ यू टू फीड हिम अगर तुम उन्हें खाना नहीं खिलाना चाहते थे यू शुड हैव लेट हिम गो हंग्री तुम्हें उन्हें भूखा वापस जाने देना चाहिए था ही माइट लिव्ड देन वे कम से कम जिंदा तो होते वल्लू शाह हिज ट्रैक नाउ स्टॉप स्क्रीमिंग ही सेड यू विल ब्रिंग द होल ब्लेज हेयर सेंड फॉर अ डॉक्टर इंस्टीड वल्लू शाह अपने रास्ते में रुक गया अब चिल्लाना बंद करो उसने कहा तुमने पूरा गांव बुला लिया है एक डॉक्टर को बुलाने के बजाय व्हाट अबाउट हिज फीस शाउटेड द न उसकी फीस कौन देगा आ, औरत चिल्लाई यू थिंक वी हैव मनी फॉर डॉक्टर्स तुम्हें लगता है कि हमारे पास डॉक्टर के लिए रुपए हैं गिव मी टेन गोल्ड मोहर्स एंड आई विल कॉल वन मुझे दस सोने की मोहरें दो मैं किसी को बुलाऊंगी अदरवाइज माई हजबेंड विल डाई एंड यू विल बी हैंग्ड नहीं तो मेरे हस्बैंड मर जाएंगे और तुम्हें फांसी हो जाएगी सेंड सम विद मी आई विल गो होम एंड सेंड यू टेन गोल्ड मोहर्स मेरे साथ किसी को भेजो मैं घर जाऊंगा और उसे दस सोने की मोहरें दूंगा बल्लु शाह होम विद जानकी दास सन बल्लू शाह जानकी दास के पुत्र के साथ अपने घर की ओर भागा ही ओपन हिज मनी बॉक्स उसने अपने रुपयों का बक्सा खोला एंड गेव द बॉय द टेन मोहर्स और उसने लड़के को दस मोहरे दी नाउ रन होम ही सैड अब घर जाओ उसने कहा एंड आस्क टू कॉल द बेस्ट डॉक्टर इन द विलेज और अपनी माँ से गांव के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहना द बॉय रेन ऑफ लड़का भाग गया बल्लू शाह सेट डाउन बल्लू शाह बैठ गया हिज लेग्स सेकिंग उसके पैर थरथाने लगे ज हार्ट बीटिंग वाइल्डली उसका हृदय बहुत तेजी से कांपने लगा एंड टुक सोल वो डैट ही वुड फीड अ वन थाउजेंड ब्राह्म इफ गॉड द ऑलमाइटी द सेवियर वुड सेव हिम फ्रॉम द गैलोज और उसने एक संकल्प लिया कि वह हजार ब्राह्मणों को खिलाएगा अगर um, भगवान सर्वशक्तिमान और रक्षक उसकी फांसी से उसे बचाएंगे मोरल ऑलवेज की प्योर प्रॉमिस हमेशा अपना वादा रखो अपना वादा पूरा करो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका एंड होता है और इसको आपको अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी उसमें से एक्सरसाइज वर्क को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे लर्न करना है